Hello guys, I'm Shreyal Kuriya. Welcome to my channel. Today's topic is uses of glycerin. Glycerin के uses क्या क्या है, चलो देखते हैं. What is glycerin? Glycerin क्या होता है? Glycerin को glycerol या फिर glycerin भी कहा जाता है. ये एक colorless, odorless, sugary texture और syrupy texture का liquid होता है. Sweet flavor में आता है. ये दो तरह में पाया जाता है, एक तो नेचुरल ग्लिसरीन और आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक ग्लिसरीन. नेचुरल ग्लिसरीन जो होता है वो एनिमल्स और वेजिटेबल के फैट्स के हाइड्रोलिसिस से बनाया जाता है, और जो सिंथेटिक ग्लिसरीन होता है वो केमिकल प्रोसेसेस से बनाया जाता है. ट्राईहाइड्रोक्सी शुगर अल्कोहल भी ग्लिसरीन को कहा जाता है. ग्लिसरीन के बहुत सारे यूजेस है, जाने अनजाने में इसे ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो. कैसे ही आपके सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लाइक सोप्स, क्लींजर्स, टोनर्स, आपके मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, इन सब में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. तो चलो देखते हैं इसके कुछ यूजेस. कीप्स योर स्किन यंग. ग्लिसरीन स्किन को यंग रखने में मदद करता है. ग्लिसरीन में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे हाइड्रेशन, मॉइस्चर हमारे स्किन में लॉक हो जाता है और हमारी स्किन बहुत टाइम तक हाइड्रेटेड रहती है. इससे एज स्पॉट्स और रिंकल्स और एजिंग के जो साइंस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं. रिड्यूसेस एक्ने और पिंपल्स. ये एक्ने और पिंपल्स को बहुत हद तक कम कर देता है. कैसे? इसमें जो हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है उससे तो हमारी स्किन बहुत हाइड्रेट हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे पोर्स को क्लॉग नहीं करता. इट वोंट क्लॉग पोर्स. ये नॉन कॉम्बिडोजेनिक है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है. पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम कर देगा. इट इज़ सेफ़. ये हमारी स्किन के लिए बहुत सेफ़ है. इवन FDA जो है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने भी इसको सेफ़ के लिस्ट में रखा है. ये बहुत ही जेंटल होता है और सेफ़ है यूज़ करने के लिए. बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्श हो जाते हैं, लेकिन ग्लिसरीन ऐसा नहीं है. हमारे स्किन के लिए वो बिल्कुल भी हार्श नहीं है और ये सेफ़ है यूज़ करने के लिए. इट इज़ जेंटल. ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही जेंटल है, स्पेशली जो सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन और ऑयली स्किन रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है. ये बहुत जेंटली वर्क करता है. ये जेंटली एक्सफोलिएट करता है. जो डेड स्किन की लेयर होती है वो हमारे स्किन को बिना हार्श किए, ड्राई किए निकाल देता है. ये डैमेज स्किन को रिपेयर कर देता है. वाटर लॉस, जो भी डिहाइड्रेशन हमारे स्किन में हुआ रहेगा उसको ठीक कर देता है. एक्जिमा और सोराइसिस जैसे जो प्रॉब्लम है उनको ये ठीक कर सकता है. उनके वाउंड्स को ये बहुत हद तक कम कर सकता है. इवन जो ड्राई फ्लेकी स्किन रहती है उसको भी ये कम कर सकता है. मॉइस्चराइजेस वेल. बहुत ही अच्छे से हमारे स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, हाइड्रेट कर देता है. बहुत टाइम तक हमारी स्किन इसके वजह से हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रहती है. इसी के वजह से ये बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स में यूज़ होता है. आप इसे नॉर्मली भी एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो. प्रोटेक्ट्स योर स्किन. ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है ह्यूमिडिटी से, स्किन को सन के यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट करता है ये, इसीलिए ये बहुत सारे सनस्क्रीन्स में भी यूज़ होता है. प्रिजर्व्स अदर इंग्रेडिएंट्स. ये इसकी बहुत ही खास बात है कि ये जिसके साथ मिला देंगे उसकी लाइफ ये बढ़ा देता है. इसी के ही वजह से बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसको डालते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव. ये बहुत अच्छा काम करता है, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ा देता है. तो चलो देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है. इसको आप रात को सोने से पहले लगाकर सो जाओ, पूरी रात भर रखो, या फिर आप इसे सुबह उठने के बाद 10 से 15 मिनट तक अपने स्किन के ऊपर रख सकते हो. देखते हैं इसे कैसे लगाना है. मेरे पास ये ग्लिसरीन की बॉटल है. ये ग्लिसरीन आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकता है. ये इसकी प्राइस है 65 रुपीज़, या अराउंड 70 to 80 रुपीज़ में आ जाता है. तो बहुत ही कम क्वांटिटी लगती है इसकी. एक से दो ड्रॉप बस लूँगी मैं. थोड़ा सा इस पर हीट प्रोड्यूस करना है रब करके, और बस इसको पैट करो. ओके, इसे ऐसे लगाना है. तो ये थे इसके कुछ यूजेस. सो
अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू इट, कमेंट मी. आई विल डेफिनेटली गोना आंसर देम. शेयर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून, मोर वीडियोज़ आर कमिंग. कंसिडर सब्सक्राइबिंग. बाय फॉर नाउ.